हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? मेरे प्रियजनों, आज बहुत सारे लोग चिंताओं में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी को भूख की समस्या है, किसी को लीवर की समस्या है, किसी को गिल्टिया ट्यूमर कैंसर की समस्या है, वो परेशान है, बोझ में दबे मांदे लोग हैं। तो आज मेरे प्रियजनों, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बहुत सारे लोग अपना फालतू टाइम इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, बेकार करते हैं, बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग आज के इस समय में पास्टर प्रचारक का सहारा लेते हैं, उनके पीछे भागते हैं। बाइबल कहाँ है, वचन कहाँ है, प्रार्थना कहाँ है, यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रियजनों, जितना आप समय अपना फालतू इधर उधर बर्बाद करते हैं, यदि आप वही समय परमेश्वर को दे दो तो परमेश्वर आपके कामों में बड़े काम करेगा, बड़े छुटकारे करेगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को टाइम नहीं देते हैं, परमेश्वर से भागते रहते हैं। भैया, बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे चंगाई मिल जाएगी, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। ऐसा मेरे प्रियो, हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ काम के लिए, अपने फायदे के लिए हमें परमेश्वर को यूज नहीं करना है। यदि आप प्रभु के पीछे आए हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके जीवन में हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। ऐसे काम परमेश्वर करता है जैसा आप अपनी आँखों से देखते आए हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने याइर की बेटी को जिंदा किया था, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को आंखें दिया है, मुर्दों को जिलाया है, लंगड़ों को चलाया है, बहरों को कान दिया है। मेरे प्रियो, उसने महान आश्चर्य काम किए हैं। उसने शब्दों से इस ब्रह्मांड को बना दिया, उसने मिट्टी से आदम को बना दिया। जब वो पत्थर को रोटी बना सकता है, तो क्या आपकी समस्याओं को, आपकी मुसीबतों को हमारा परमेश्वर खत्म नहीं कर सकता है? यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तू इस पेड़ से या इस पहाड़ से कह देगा, उखड़ जा, उस स्थान पे चला जा, तो वह तेरी बात मान लेगा। क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात यह है, क्या लिखा है, विश्वास के साथ कहेगा। यदि आप विश्वास के साथ कहेंगे, विश्वास के साथ बोलेंगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे विश्वास के द्वारा, यदि आप कहोगे इस बीमारी से, इस कैंसर से, इस ट्यूमर से, इस दुष्टात्मा से, इस बीमारी से, यदि आप कहोगे उखड़ जा, अधोलोक और पाताल में जा, तो तुम्हारी बात मान लेगा। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर विश्वास करना है। हमें विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना है। मेरे प्रियजनों, आप किसी इंसान का सहारा मत लीजिए। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप पिता से विनती करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बड़े काम करता है, बड़े छुटकारे करता है। यदि आप दुख में हो, यदि आप तकलीफ में हो, मेरे प्रियजनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप परेशान हो, गरीबी में हो, उदासी में हो, डरे हुए हो, तो आज आपको मैं बोल रहा हूँ, आज अगर आप ऐसा परमेश्वर से अपनी समस्याओं को, अपना निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं, यदि आप परमेश्वर के सामने ऐसा रखते हैं, यदि आप विश्वास के साथ बोलते हैं, तो मैं आपसे गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके कामों को सफल कर देगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, हर एक मनुष्य को परमेश्वर के पास आने के खातिर उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और वह हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, वह हमारे कामों को सफल करेगा। आज बहुत सारे लोग चिंताओं में हैं, बोझ में दबे हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। वे शायद सोचते रहते हैं, शायद परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा, मुझे दर्द सर से बीमारी है, गिल्टी है, रसोली है, पथरी है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसी सोच रखने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी सोच रखने वालों, अपने मनुष्य से ऐसी सोच निकाल कर फेंक दो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तेरे मुँह में, तेरी जीभ में सामर्थ्य दिया है, तेरे ऐसे ही जो काम होते हैं, तेरे ऐसे ही जो पाप होते हैं, वही प्रार्थनाओं का उत्तर का रुकावट का कारण बनते हैं। हमें पाप से, बुराई से दूर रहना है। यीशु मसीह ने इजरायलियों से कहा था कि तू, तेरे हाथ खून से, हत्या से भरे हैं, इसलिए मैं तेरी नहीं सुनता हूँ।
हो सकता है यदि आप किसी बुराई में हो, यदि आप किसी पाप में हो, यदि आपके सामने कोई पत्थर दीवार उठी है, इस कारण से परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। यदि आप ऐसा छोड़कर विश्वास करते हैं, पाप बुराई से दूर रहते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और टाइम टाइम पे हमारा परमेश्वर आपको उत्तर देगा। मेरे प्रिय, यदि आप समस्या में हो, किसी भी बीमारी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हो, घबराए हुए हो, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज आपको परमेश्वर से बोल देना है, आज आपको यीशु मसीह से बोल देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी समस्या है, दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, तो गरीबी बीमारी आज चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। इस प्रार्थना को आगबंद करके सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे और लास्ट में आमीन रोकर रिसीव करेंगे। ठीक, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा करते, यीशु मसीह आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते। यीशु मसीह, जो आपने मेरे पिता हम सभी को मेरे प्रभु जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए प्रभु आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे प्रभु, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं मेरे स्वामी। जो आपने यीशु पापा हम सभी को माता की गर्भ से ही चुना है मेरे प्रभु, आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे माता की गर्भ से ही चुना है मेरे प्रभु। आपने कहा है एक माँ अपने पुत्र को दूध पिलाती हुई माँ अपने पुत्र को भूल सकती है, छोड़ सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना अनाथ छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पे खोद के लिख लिया है, चित्र तेरा नाम बना लिया है मेरे प्रभु। आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, तारीफ करते, जय जयकार करते यीशु मसीह, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने लोग मेरे पिता इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे परमेश्वर, और लास्ट में आमीन बोल रहे मेरे परमेश्वर, जो दुख में है, जो तकलीफ में, जो समस्याओं में है मेरे परमेश्वर, जितने लोग आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो टूट चुके हैं मेरे परमेश्वर, जिन्हें भली वस्तुओं की घटी है मेरे परमेश्वर, उदासी में है, चिंताओं में है, बोझ में दबे हैं मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में आजाद होने पाए, पवित्र आत्मा आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा मेरे पिता। आपके नाम से मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम से ढूंढते हैं, खटखटाते हैं तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जितने लोग आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, जितने आपके खोजी हैं मेरे परमेश्वर, जितने आपसे प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर, उनको आप भली वस्तुओं की घटी कभी नहीं होने देने वाले परमेश्वर मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जिन बहनों की कोखें बंद पड़ी हैं मेरे परमेश्वर, जिन शैतानों ने कोखें बंद करके रखा है पिता, जिन बच्चों की आशीष चुराते हैं मेरे परमेश्वर गंदी आत्माएं, मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, इन बहनों की बंद कोखें खुल जाए मेरे परमेश्वर, उस स्वर्ग से बच्चों की आशीष रिलीज हो जाए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है लड़के यहोवा ही देता है, बच्चे गर्भ का फल परमेश्वर की ही ओर से मिलता है मेरे परमेश्वर, इन बहनों को बच्चे दीजिए पवित्र आत्मा जी। जो इस वक्त इस प्रार्थना को अपने मोबाइल पे पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं, लास्ट में आमीन बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में बड़े काम होने पाए मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, हर एक तरह के बंधन है, जादू टोना के बंधन है मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, हर एक जादू टोना के बंधन, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन चले उखड़े और अधोलोक में जाए मेरे परमेश्वर, ये मसीह भाई आजाद हो जाए, इनका घराना आजाद हो जाए, इनका घराना आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने वाले नहीं पिता परमेश्वर, उनके कमाने वाले हाथ बनाइए मेरे परमेश्वर पिता, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए मेरे परमेश्वर, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, वह टूट सकता है, बिखर सकता है मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे मेरे परमेश्वर। मैं आपसे मांगता हूँ, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपसे मांग रहे हैं, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, सुर के झरोखे खुल जाएं, वो बंद आशीष से खुल जाएं,
ओपन आशीषों के दरवाजे खुल जाएं, ओपन द डोर मेरे परमेश्वर, आशीषों के दरवाजे खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, खुल जाएं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा जी खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, लगता है, आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे परमेश्वर मुझे आशा है, विश्वास है प्रभु आपने ऐसा किया है, मुझे विश्वास है आपने प्रार्थना को सुना है। ये छोटे व्यक्ति उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।